तो यार बहुत लोगों का सवाल होता है कि आप कैसे अपने PlayStation 4 या फिर अपने PlayStation 5 के अंदर गेम डाल सकते हैं फ्री में, क्योंकि यार बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार हम PlayStation भी ले लेंगे, चल ठीक है हम ले लेंगे PlayStation अपने बजट करके, लेकिन यार फ्री गेम्स कैसे है? मतलब भाई पे गेम्स के लिए भी तो पे करना है, 1000 से कम की तो कोई गेम ही नहीं है ना, 1000 वाली भी एकदम बेसिक गेम आती है तो क्या ही करेंगे भैया, मतलब सेकेंड हैंड गेम पे थोड़ी गुजारा करना है हमको, हमको भाई नए गेम्स चाहिए तो हम क्या करें, फ्री में गेम्स कैसे डालें? तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्री गेम्स, कोई यार ये हैक नहीं है, कोई कुछ भी लीगल नहीं है, जो ऑफिशियली सोनी आपको बताता है, एंड ये फ्री गेम्स की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है PlayStation 4 और PlayStation 5 के गेम्स की। तो आज उसी लाइब्रेरी के हम गो थ्रू करने वाले हैं, एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ वही फ्री गेम्स जो कि आई थिंक आप में से सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है, लेट्स गो। हम लोग आ गए अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक बार फिर से, तो अब चलते हैं सबसे पहले प्ले स्टेशन ऐप पर। तो आपके फ़ोन पे प्ले PS ऐप नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोडेड होनी चाहिए, जो कि आपको एंड्रॉयड या iOS कहीं पे भी मिल जाएगी, एंड एकदम सेम प्रोसीजर है दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो ये ऐप लोड होती है एंड आपको अपने अकाउंट के अंदर साइन इन कर लेना है। सर्च का गाइस जो आपको ऑप्शन दिखता है ना, आपको ये देखो, आप जब साइन इन करोगे आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर ये रहा PS स्टोर का ऑप्शन जहाँ पे आप पेड गेम्स परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ जाते हो PS स्टोर पर, तो आप जब बिल्कुल नीचे स्वाइप करोगे तो आप इस तरीके के यूज़र इंटरफेस पर आ जाओगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक गेम पता है जो कि फ्री है, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो उस गेम को, लेकिन वो थोड़ा हेक्टिक रहता है। तो इससे अच्छा है कि आप PS स्टोर वाले ऑप्शन पे आ जाओ, एंड उसके बाद आप जब नीचे की तरफ आओगे एकदम नीचे, तो यहाँ पर एक एरो आ जाएगी एंड यहाँ पर आपको फ्री टू प्ले का ऑप्शन दिख जाएगा। इस ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो ये लोड होता है, एंड जितने भी फ्री गेम्स हैं PlayStation 4 के, जो कि ऑब्वियसली PlayStation 5 पर भी वर्क करेंगे, वो आपको मिल जाते हैं। जैसे कि गाइस फोर्टनाइट आजकल का सेकंड नंबर पे मोस्ट ट्रेंडिंग गेम है, फर्स्ट पे ऑफकोर्स पबजी है, लेकिन सेकंड नंबर पे फोर्टनाइट ही है, एंड ये फ्री है, लेकिन ये ओनली PS4 वाला वर्जन है। PS5 वाला खैर मैंने ऑलरेडी अपनी लाइब्रेरी में डाउनलोड कर रखा है। तो रॉकेट लीग आपको मिल जाएगा, एपेक्स लेजेंड्स, गाइस सामने आपके परचेज्ड लिखा है, लेकिन एक्चुअली में इन गेम्स को आपको परचेज नहीं करना है, ये एकदम फ्री होते हैं। जैसे कि मैं कोई ऐसा गेम ले लेता हूँ जो कि मैंने लिटरली अभी परचेज नहीं करा है, तो जैसे कि ये है, ठीक है, रोक कंपनी, ये एक PS4 का गेम है। आप इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, लेकिन गाइस फ्री वाले ऑब्वियसली फ्री ही रहेगा, बाकी बंडल्स तो आपको ऑब्वियसली महंगे ही मिलेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फ्री यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ऐड टू लाइब्रेरी का ऑप्शन भी आ रहा है। तो जब मैं ऐड टू लाइब्रेरी पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से थोड़ी सी लोडिंग लेता है, एंड हो रहा है अभी लोड। तो गाइस लोड होने के बाद कुछ इस तरीके का आता है, बेसिकली आपकी परचेज की तरह ही ट्वीट करता है जो भी आप लेते हो। तो यहाँ पर 00 रुपीज़ सब लिखा आ रहा है, एंड यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको टिक क्लिक करना है एंड ऑर्डर एंड पे के ऊपर क्लिक कर देना है, प्रोसेस होगा एंड आपकी ईमेल पर मेल आ जाएगा कि आपने इस गेम को परचेज कर लिया है। एक बार ही प्रोसेस हो जाए इसका मतलब आपने गेम को खरीद लिया है, ठीक है। तो ये हो गया है भाई, मैंने गेम खरीद लिया है, अब मेरे को कंटिन्यू शॉपिंग के ऊपर क्लिक करना है, एंड ये ऑप्शन आपको डाउनलोड टू कंसोल के अंदर आ गया है। तो इस तरीके से यार बहतेरे गेम है दुनिया भर के, फुटबॉल फैंस के लिए एक बेस्ट चीज़ दिखा दूँ तो फुटबॉल फैंस अपने लिए PES 2021 लाइट खेल सकते हैं, जो कि भाई काफ़ी मतलब ठीक गेम है, लाइट है, लाइट वर्जन है उसी गेम का, एंड यहाँ पर भाई भरे पड़े हैं फ्री गेम्स, बहुत सारे फ्री गेम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर किसी के पास PS VR है तो गाइस वो VR के भी फ्री गेम्स को ट्राई कर सकता है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एंड गाइस हर एक स्पोर्ट के फ्री गेम है, शूटिंग, हॉरर, हर एक जेनर के आपको फ्री गेम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखो गाइस एंडलेस है, मतलब बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये देखो गाइस, ठीक है। चलो अगर आपने गेम को क्लेम कर भी लिया तो अब भाई कई लोगों का डाउट रहता है, अच्छा क्लेम तो कर लिया लेकिन अब हम गेम को देखें कहाँ। तो गाइस PS स्टोर के एकदम राइट हैंड साइड में आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा गेम लाइब्रेरी का, जब आप यहाँ पर आओगे तो ऊपर से प्लेड की जगह परचेस्ड पे चले जाना। परचेस्ड पे जाने के बाद आपको वो सारे के सारे गेम्स दिख जाएंगे जो कि आपके पास इस टाइम पे हैं, एंड ये रहा वो गेम जिसको अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने ही परचेस करा है। तो गाइस इतना सा ही सिंपल है, एंड आप गेम की सारी स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे पढ़ ही सकते हो, वो सब आप खुद ही देख लेना यार,
ठीक है, तो गाइस ये था कि आप कैसे फ्री गेम्स डाउनलोड कर सकते हो अपने प्ले स्टेशन के लिए। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलो गाइस। एंड मिलता हूं आपसे फिर एक और ऐसी कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए एडियोस।